नमस्कार दोस्तों, मुझसे मोस्टली बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर घोड़े की नाल खरीदी कब जानी चाहिए, क्योंकि मोस्टली शनिवार को लोगों को ये वहम रहता है कि लोहा नहीं खरीदना चाहिए। यहाँ मैं आपके इस सवाल का जवाब देने वाली हूँ, पर पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें। देखिए, शनि शास्त्र इस चीज़ के लिए क्या कहता है, मैं वहाँ से आपके लिए ये जानकारी लेकर आई हूँ। घोड़े की नाल असल में आपको दो तरीक़ों से मिल सकती है, या तो आप खरीद कर लाएं, या फिर दूसरा आपको कहीं गिरी हुई मिल जाए। किसी को अगर ये गिरी हुई मिल जाती है उसके लिए तो बहुत सौभाग्य हो जाता है, उसे अगर सूट कर जाती है तो उसके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, धन ही धन है। पर अगर आप इसे खरीद कर लाते हैं तो इस बात के लिए, देखिए ये कन्फ्यूज़न यहाँ दूर कर रही हूँ कि घोड़े की नाल शनिवार को ही खरीदनी चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं घोड़े की नाल लोहा है और लोहा शनिवार को नहीं खरीदा जाता, ठीक है, देखिए ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि शनिवार के दिन काला कपड़ा या लोहा या सरसों का तेल ये खरीदा नहीं जाता। लेकिन घोड़े की नाल को आप लोहा नहीं समझें, क्योंकि लोहा अलग चीज़ हुई और घोड़े की नाल अपने आप में एक तंत्र है, एक टोटका है, एक शनि महाराज की कृपा पाने का एक टोटका सा है। उनकी कृपा पाने के लिए ये लोग टोटका करते हैं। सो घोड़े की नाल शनिवार को ही खरीदें, पर एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप जब इसे खरीदें शनिवार को, तो इसे खरीदने के बाद आप सीधा इसे घर के अंदर ना लेकर जाएं। आपने इसे खरीदा, ठीक है, खरीदने के बाद आप इसे घर तक तो लाएं, लेकिन जहां आपने लगानी है इस घोड़े की नाल को, उस द्वार तक कोशिश करें घर के अंदर ना लाएं। जैसे आपने घर के कमरों के एंट्री जहां होती है कमरों की, जैसे आपका बरामदा है अगर, या आप किसी तो आपने इसे क्या करना है, जैसे आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं, तो आपने इसे क्या करना है कि आपने घोड़े की नाल खरीदने के बाद आपने इसे अपने उन रूम के अंदर नहीं लेकर जाना है। आप इसे चाहें तो आप बरामदे में रखें, चाहे तो आप इसे घर के बाहर कहीं रख सकते हैं, ऐसी जगह छुपा कर जहाँ से ये चोरी ना हो या कोई उठा कर ना ले जा सके। अब जब आप घोड़े की नाल खरीद के लाए हैं तो आपने एक काम करना है, आपने एक सरसों का तेल ले लेना है, इतना तेल लें जिसमें कि ये घोड़े की नाल डिप हो जाए, डूब जाए, और इसे डुबा कर आपने शनिवार को इसे रख देना है। शनिवार खरीद के लाए, घोड़े की नाल को कटोरे में रख दिया और उसमें तेल में डिप करके उस तेल को घर के बाहर किसी एक कोने में ऐसी जगह रख दें जहाँ ये संभल कर एक हफ्ते तक पड़ी रहे, क्योंकि इसका यूज़ आप अगले शनिवार करेंगे, इस शनिवार नहीं करेंगे। अब ये ध्यान देना है आपने, जब आप इसको इस तरह से रख देते हैं, अगर अगले शनिवार एक वीक तक ये सेफली आप तक रहती है तो समझिए कि आपके लिए ये चीज़ हो गई है कि आप घोड़े की नाल लगा सकते हैं, यानी शनि महाराज की तरफ से एक आज्ञा हो गई। बीच में कहीं अगर ये चोरी हो जाती है तो समझ लिए आपके लिए सही थी ही नहीं, इसलिए चोरी हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपने रखी है संभाल कर, तो वह और संभाली हुई पड़ी होगी। जो भी है, आपने इसको जब नेक्स्ट सैटरडे आता है तो आपने इस घोड़े की नाल को उस तेल में से निकालना है, अच्छे से पोंछना है कपड़े से, और अब इसे आपने यू की शेप में अपने जहां आपने इसे लगाना है वहां इसे लगा दें शनिवार। ये बहुत इफेक्टिव टोटका है और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि किसी ने घोड़े की नाल लगाई है तो कभी ऐसा हुआ है, एटलीस्ट मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैंने अगर ये लगाई थी तो मेरे घर का सारा सामान ही उलट पुलट हो गया, बसाया सिर्फ रूम ही अभी उथल पुथल हुआ था कि मुझे समझ में आ गया कि घोड़े की नाल मुझे सूट नहीं कर रही है, तो मैंने उसे निकाल दिया।
लेकिन यहाँ आपने भी यही चीज़ नोटिस करनी है, जब आप घोड़े की नाल लगाएं, एक दो दिन में ही आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि आपकी लाइफ जो सी है उसमें उथल पुथल शुरू हो गई है, या फिर अचानक से आपको धन लाभ होने लगा है, या कोई खुशी वाली खबरें आनी शुरू हो गई हैं। बस अगर ये आपको खुशी वाली खबरें देनी शुरू कर दे रही है, समझिए आपको सूट करनी शुरू हो गई है घोड़े की नाल, और ये करती है इफेक्ट। मैं खुद इसकी साक्षी हूँ, मैंने खुद इसे देखा है। अगर आपकी कुछ उथल पुथल सी होती है, कुछ ऐसा होता है, कुछ नुकसान होना शुरू हो जाता है, या कोई घर के माहौल में ही पता लग जाएगा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आप समझ जाइए कि ये आपको सूट नहीं कर रही, आपने इसे उतार देना है। और अगर आपको ये सूट कर रही है तो आप इसे लगा रहने दें, यू की शेप में लगाना है। और यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि जो जिस तेल में आपने इसे डिप करके रखा हुआ था, डुबो कर रखा हुआ था, आपने उस तेल को दान कर देना है। बस इतना सा काम है। यहाँ आपको जो कुछ है वो आपको ये है कि आपने सिर्फ नोटिस करना है कि मेरी घोड़े की नाल लगाने के बाद मेरे हालात में, मेरे घर में, मेरे घर के माहौल में कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा, कोई गलत इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा। अगर गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो उसे उतार दीजिए, और अगर सही है, अच्छी खबर आनी शुरू होती है, तो वो आपके लिए यही घोड़े की नाल माला माल बना देती है, खुशहाल कर देती है। और यही घोड़े की नाल आपकी सुख शांति भी ख़त्म कर सकती है, धन हानि भी कर सकती है। ये आपको देखना है कि आपको इसे लगाने के बाद आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, जो खबर मेरे पास थी और मैंने ये खबर जो शनि शास्त्रों में से ली है वो आपको पहुंचा दी है। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। धन्यवाद।